आज का मंडे नाइट रॉ काफी इंटरेस्टिंग रहा। इसमें रोमन ने इसके भाई को बड़ी जीत मिली। अगेन एक बार फिर से सीएम पंक अपने दुश्मन को चेतावनी देते हुए दिखाई दिए और किंग एंड क्वीन मैच में भी काफी जबरदस्त बवाल हुआ। एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ चलिए देखते इस वीडियो में। तो आज के रॉ के स्टार्टिंग में जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिला था। सबसे पहले डेमियन प्रिस्ट आते ही जय यूशो के बारे में बोलते हैं। वो इन सब बातों को डिस्कस करते हैं जैसे उन्होंने जय यूशो को फ्रांस में हराया था बैकलिश में और फिर अपने ही टीम मेंबर के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं डेमियन प्रिस्ट। देन आपको बता दूं अभी जजमेंट डे के भी सब कुछ ठीक है और ऐसे में चारों सुपरस्टार एक दूसरे के साथ हग करते हुए दिखाई देते हैं। देन इसके बाद ये देखने को मिलता है कि डेमियन प्रिस्ट ये भी बोलते हैं कि आज फिन बैलर ही मैच को जीतने वाला है। तो गाइस ऐसे में फिन बैलर वर्सेस जय यूशो का मैच देखने को मिलता है। ड्रू मैकइंटायर के बदले रिप्लेस कर दिया गया था फिन बैलर को क्योंकि ड्रू मैकइंटायर को चोट लग गया था इसलिए वो कर नहीं पाते मैच। देन उसके बाद किंग ऑफ द रिंग में फर्स्ट राउंड मैच में दोनों सुपरस्टार भिड़ते हैं फिन बैलर और जय यूशो। आते ही दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त मूव्स लगाते हुए दिखाई देते हैं। बट गाइस लास्ट का एंडिंग पॉइंट बोलो तो लास्ट में ड्रू मैकइंटायर की एंट्री देखने को मिलती है। वो बीच क्राउड में एरिना में एंट्री कर लेते हैं। उन्हें देखकर मेन इवेंट जय का ध्यान थोड़ा सा भटक गया था बट फिर भी उधर ध्यान ना देते हुए जय यूशो ने फिन बैलर को स्पेयर देकर पिन कर दिया और इजली हराने के बाद जय यूशो ने अपने टूर्नामेंट में नेक्स्ट राउंड के लिए जगह बुक भी कर ली है। यानी कि अब किंग ऑफ द रिंग में सेकंड राउंड में भी मैच खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं जय यूशो। देन उसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है जब सीएम पंक का सेगमेंट हुआ और सीएम पंक आते ही अपना प्रोमो कट करते हैं। जैसा कि हमें देखने को मिलता है हमेशा की तरह सीएम पंक एक बार फिर से ड्रू मैकइंटायर की मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते। स्टार्टिंग में ही वो मजाक उड़ा रहे थे उनका। यहाँ तक सीएम पंक ये भी बोल रहे थे जब तक ड्रू मैकइंटायर रिंग में नहीं आता तब तक मैं रिंग में इंतजार ही करता रह जाऊंगा उसका। सीरियसली गाइस सीएम पंक काफी देर तक ड्रू मैकइंटायर के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। जैसा कि हम देखते आ रहे हर एपिसोड में सीएम पंक ड्रू मैकइंटायर को वार्निंग देते हुए दिखाई देते। वैसे ही इस बार भी बोला कि मैं तेरा बुरा हाल करने वाला हूं। फिर काफी टाइम तक वेट करने के बाद सीएम पंक बोलते हैं अभी तक वो नहीं आया शायद वो मुझसे डरता है। फिर वहां से सीएम पंक चले जाते हैं। देन उसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलता है शेमस वर्सेस गुंथर का। ये भी किंग ऑफ द रिंग का फर्स्ट राउंड मैच था। इस मैच में गुंथर और शेमस आते ही जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। आईसीसी चैंपियन शेमस भी काफी टाइम तक अपने सबमिशन मूव से जकड़ कर रखे थे। गुंथर को ऐसा लग रहा था कि गुंथर को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मैच कंटिन्यू ही चल रहा था उसके बाद बीच में एक मूवमेंट देखने को मिलता है जब शेमस ने गुंथर को स्लैम देकर पिन करने की कोशिश की थी बट उस टाइम एन मूवमेंट पे किक आउट कर देते हैं गुंथर। फिर थोड़े टाइम बाद लुडविग भी इस मैच के अंदर इंटरफेयर करते हुए दिखाई देते हैं और वो आते ही शेमस पे काफी ज्यादा अटैक करते हैं बट रेफरी एन मूवमेंट में उसे जाने के लिए बोल देते हैं वहां से। वैसे गाइस मैच के टाइम शेमस को काफी डेंजरस चोट लग गया था उनके पांव पे उसी का फायदा उठा रहे थे बार बार गुंथर। लाइक शेमस उनके मूव्स को किक आउट ही नहीं कर पा रहे थे लाइक अपने आप को बचा ही नहीं पा रहे थे शेमस उस टाइम। और लास्ट का एंडिंग पॉइंट बोलो तो लास्ट में गुंथर ने पावर बम देकर शेमस को पिन करके मैच जीत लिया। वैसे गाइस देखो तो अगर शेमस को चोट नहीं लगती तो शेमस मैच को जीत सकते थे। उनके घुटने में काफी ज्यादा चोट आई थी जिसकी वजह से वो फेस नहीं कर पाए और उन्हें मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो इस मैच के रियल और क्लिश्चर विनर गुंथर है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय टेक केयर।